सैमरॉक स्कूल छतरपुर चौबे कॉलोनी में बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए आज ही इस संस्था में अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। सैमरॉक स्कूल छतरपुर। भैया हर और राम राम, हमें बुंदेली चुगली से माधवी। तुम और देख रहे पूरे बुंदेलखंड के संगे संगे पूरे देश भर में लोकप्रिय उद्भव निश्चय बुंदेली चुगली। भैया आज अंजुमन इस्लामिया सदर के लाने आज चुनाव भाव इमें सदर को चुनाव होने जो चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू भाव और शाम के 5 बजे समाप्त होगा। इमें मतगण ने अपनो मत दाओ और प्रत्याशी ने एन इमें खूब जोर लगाओ और एक दूसरे का खूब टक्कर दई। सो भैया देखे ले रहे पूरी खबर का। अंजुमन इस्लामिया सदर के लाने आज मुस्लिम समाज को चुनाव भव इमें दिग्गज मैदान में ठाणे भय। सदर पद के चुनाव के लाने वकील अहमद, अब्बास अली, हाजी शहजाद, सगीर अहमद पूरे दमखम में दिखे। उतई 16 मार्च का सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हो जाए है। रजा हॉल के पास स्थित जेटीयू मद्रासे में मतगणना की पेटी रखी जाए है। एक दौरान सदर पद के दावेदार भी उतय मौजूद रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग उनसे उन्हें अपील करिए कि शांति और व्यवस्था बनाए रहें। हाँ तो भैया ये हैं अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर पद के प्रत्याशी शहजाद अली। भैया इन्हीं से पूछ रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है। भैया कि चुनाव की प्रक्रिया कैसी हो, क्या मकसद है चुनाव को? ये हमारी जो चुनाव है वो हमारी कौम की चुनाव है। इसमें मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं सारे लोग इसमें मतदाता हैं, वो ही इसमें वोट कर रहे हैं। वो अपना एक लीडर चुन रहे हैं सदर, जिसका काम है कि लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। इसका केवल पर्पज एक है कि अपने समाज का सुधार कैसे हो, उसके लिए एक अपना लीडर बनाया जा रहा है। अगर आप सदर पद को चुनाव जीत गए, अध्यक्ष बन गए आप, तो आपने अपने प्रोग्राम में से कौन सा बनाओ अपनी समाज के लाने कि जिसे समाज विकास करे, तरक्की करे? इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने बनाया है कि जो हमारा समाज में काफ़ी लोग अशिक्षित हैं, तो सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद शहर में अमन चैन हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। दूसरा, रोज़गार के लिए प्रयास किया जाएगा। तीसरा, जो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके कोई भी मदद नहीं हो पाती किसी भी प्रकार की, उनकी ये कमेटी मदद करेगी। तो भैया जी हैं डॉक्टर शहजाद अली। हाँ तो भैया जी हैं अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर पद के प्रत्याशी लेकिन सगीर अली। अब इनसे पूछ रहा है कि अगर ये सदर चुनाव जीत रहे तो अपनी समाज के लिए इनकी प्राथमिकता क्या है? सदर के रूप में अगर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया तो हमारी प्राथमिकताएं हमने अपने घोषणा पत्र में लिख दी हैं और सारी आवाम के यहाँ पहुँच चुका है। हमारी प्राथमिकताएँ सबसे पहले मुस्लिम युवाओं, महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए काम करना, और जो हमारी बेवा हैं औरतें या तलाकशुदा औरतें हैं उनकी मदद करना, और हमारे दीने इदारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए उर्दू की तालीम दिलाना, और कौम का एक अस्पताल खोलना। और हमने सबसे बड़ी घोषणा की है कि अगर हमको आवाम ने मौका दिया इंशाअल्लाह ताला तो छतरपुर में जो ईदगाह कब्रिस्तान है उसकी बाउंड्री वाल का काम अप्रैल माह में शुरू कर देंगे। ऐसा कौन काम है आपके दिमाग में कि जो पुराने सदर नहीं कर पाओ वो आपके दिमाग में हो कि हमें समाज के लाने ऐसा काम करने हैं, कछु बोहे का आपको पिलान? क्योंकि अंजुमन के पास कोई फंड तो है नहीं, एक रुपया फंड नहीं है। जो भी सदर बनेगा उसको पहले अपने पॉकेट से खर्च करना होगा, फिर आवाम से मदद लेना होगी, तभी विकास हो सकता, नहीं तो कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बगैर पैसे के कोई काम होता। हाँ तो भैया जे हैं सचो पद के प्रत्याशी जयदी के कक्का जिन्हें चाचा काट अपन, तो इन्हीं से जान रहे चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, इनकी सोच के बारे में। चुनाव की प्रक्रिया ये है कि हम चाहते हैं कि शहर में जो है अमन चैन, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब और हमारे संबंध में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अमन और सुखी बना रहे। अगर आपके भतीजे चुनाव जीत गए तो समाज के उत्थान के लाने, समाज की तरक्की के लाने उनके पास प्लान क्या है? समाज की तरक्की के लिए प्लान ये है कि बच्चों को शिक्षा, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ वार्ड, सफाई व्यवस्था, और जो है शिक्षा के मामले में जो है जो मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड लड़के हैं वो सब अलग अलग जो गरीब तबके के लड़के हैं उनके लिए जो है अपन कोचिंग सेंटर खोलेंगे, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ के निकलें और अपने पैर से खड़े हों। बुंदेली चुगली चैनल से राजेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट।
कल 16 मार्च का ई की मतगणना होने भैया जो हती ए बेरा की खबर ऐसे ही खबरन के संगे हम दोबारा अभी तब तक के लाने हमारे यूट्यूब चैनल का ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने और फेसबुक चैनल का ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने। तब तक के लाने राम राम।